नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1/11 और मैं हूँ आपके साथ शिवानी। कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि शायद सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, इन्हीं दोनों कहावतों से मिलती है आज के समय में रानू मंडल की जिंदगी। रेलवे स्टेशन पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर का चर्चित गीत एक प्यार का नगमा है गाकर रातों रात सोशल मीडिया पर छाई रानू मंडल की जिंदगी अब बदल गई है। हाल ही में रानू मंडल का मेकओवर हुआ, इसके बाद अब उनके पास कई बड़े ऑफर्स आने लगे हैं। इन ऑफर्स में सबसे बड़ा ऑफर जाने माने सिंगर और संगीतकार हिमेश रेशमिया ने अपनी नई फिल्म में रानू को गाने का मौका दिया है। इस बात का खुलासा खुद सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर किया। हिमेश रेशमिया द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में रानू गाना रिकॉर्ड करती नजर आ रही हैं। वहीं हिमेश रेशमिया उनका हौसला बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। हिमेश और रानू के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ करते दिखे और उनके वीडियो को शेयर भी खूब किया। मीडिया में आई रिपोर्ट की माने तो बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने रानू को अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी हाडी एंड हीर में सॉन्ग ऑफर किया है। इस फिल्म में वो जो गाना गाने जा रही हैं उसका टाइटल है तेरी मेरी कहानी। इसी के साथ रानू मुंबई में हिमेश और अन्य जजेस के साथ एक शो का भी हिस्सा बनने जा रही हैं। रानू मंडल पश्चिम बंगाल के कृष्णागरम की रहने वाली हैं। रानू का लालन पालन उनकी आंटी ने किया है। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया। रानू अपना गुजारा रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में गीत गाकर करती हैं। इस दौरान किसी ने रानू को रानाघाट रेलवे स्टेशन पर गाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद से रानू की जिंदगी बदल गई। आपको बता दें कि जिस तरह से रानू मंडल का जो सॉन्ग वायरल हुआ था, उसके बाद रानू मंडल ने एक और गीत गाया था जो कि सोशल मीडिया पर वो भी काफी पसंद किया गया। उसी के बाद रानू मंडल का मेकओवर किया गया और उनके पास अभी तक 2 से 3 फिल्मों के ऑफर्स भी आ चुके हैं। तो ऐसे ही तमाम चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज 1/11। नमस्कार। सहरसा से जदयू जिला प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्ला की तरफ से तमाम शहर वासियों और जिला वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज 1/11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।